प्रसाद खा रहे हैं, ये प्रसाद है गुरुद्वारा का, ये देख लीजिए। और जो हम लोगों का पानी आता है वो गुरुद्वारा से ही आता है, यहाँ का पानी जो है सही नहीं है। पास में ही पानी टंकी है लेकिन आयरन है, तो पीने के लिए पानी जो है गुरुद्वारा से आता है। तो वही हमारा लिट्टी पक रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ ये बैगन है, तो एक बैगन तो गैस पे पका लिए हैं और एक यहाँ पका रहे हैं। तो चलिए, हमारा पक गया, अब इसको तोपेंगे। एक बार लिट्टी को गाड़ना पड़ता है नीचे आग में, तब लिट्टी फूल के फट जाता है। हमारा लिट्टी पक गया, अब इसको निकाल के झाड़ते हैं। तो ये लिट्टी देख रहे हैं पूरा पक के फट गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, दिन के 10 बज रहे हैं, पिछले दो दिन से हमने वीडियो नहीं बनाया। तो अब बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम सी हो रही है, मतलब अब घर में एक ही जगह मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग सा लग रहा है। तो चलिए, अब कोशिश करते हैं, आज वीडियो बनाते हैं। और गाड़ी जो है हमारी लोड होकर निकल चुकी है, अभी छत्तीसगढ़ में है, राजनांदगांव में है। तो गाड़ी आ जाएगी, तो इस बार हम भी गाड़ी पे चलेंगे और वीडियो हर रोज बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए। घाव जो है अभी नॉर्मल है, तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है रसमलाई, तो हमारे घर में रसमलाई आ जाएगा। हम लोग खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और नाश्ते में बना है इडली, तो चलते हैं। अभी मैं नाश्ता नहीं किया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आज इडली और चटनी बना है बड़ी शौक से, और ऊपर से मंगा दिए हैं ऑनलाइन केसर भोग। तो यहाँ पे है इडली, आप लोग देख सकते हैं, ये है चटनी इडली का और ये है इडली। सब लोग खा लिए हैं और मैं नहीं खाया हूँ, तो इडली निकालते हैं, दो इडली हम खाएंगे। बहुत मस्त हुआ है, सॉफ्ट हुआ है इडली। और ये है चटनी, देख लीजिए, ये उड़द चने की दाल की चटनी बनती है। इसमें बड़ा चम्मच चाहिए था, रुकिए ढाल लेते हैं इससे। और मिर्ची मेरा फेवरेट है, मिर्ची खाते हैं, और इतना बचा है तो खाते हैं। ये है चम्मच, ला। तो इडली आज शौक से बना है, इडली बढ़िया हुआ है, सॉफ्ट हुआ है, इडली अच्छा लगता है खाने में। चटनी मस्त बनाया एकदम, खाते हैं। अभी केसर भोग आएगा, उसका वेट कर रहे हैं, तो वो भी खाएंगे हम लोग। हमारा ऑर्डर आ गया है, आपको दिखाते हैं। जोमेटो पे ऑर्डर था, गेट को पहले खोलते हैं नहीं तो लग जाएगा। तो बुलाते हैं ऑर्डर वाले भाई को, वो वहाँ पे है। हमारा ऑर्डर आ गया है, अब हम लोग चलते हैं। और ये है भाई, जोमेटो से है। तो ये ऑर्डर आप लोग दिखाओ, देख लीजिए आ गया है इसमें, ये है रसमलाई। तो चलिए इसको खोलते हैं, और मतलब वीडियो में देखते हैं, ऐप में तो बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन रियल में खोल के देखते हैं कितने को आता है। 18 रुपये का पीस है, तो वही देख के हम लोग किए थे। यहाँ खोला, थाली एक लेके आइए, इसको अब हम लोग खोलेंगे थाली में रख के। रुको ना, थाली में रखो, कहीं गिर उड़ जाएगा तो। देखिए तो ये है रसमलाई, इसको तो आइए क्या है, क्या भोग, केसर भोग, इसको कहते हैं केसर भोग। अभी खोलते हैं रसमलाई को, अब निकालते हैं रसमलाई को। आइए देखिए, रसमलाई जो है लॉन्ग लॉन्ग शेप में है, ये देखिए, ये है रसमलाई। अरे तो बहुत छोटा छोटा पीस है रे भाई, 18 रुपया इसका एक पीस का कीमत है। इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे ये मिल्क, नहीं रसमलाई एक 18 रुपए का पीस है, देख लीजिए। तो चलिए खाते हैं, जो भी हो रसमलाई रसमलाई होता है। टेस्ट बढ़िया है, मुर्गन होटल का नाम है, मुर्गन रेस्टोरेंट। हम लोगों ने रसमलाई खा ली, और रसमलाई खा के बहुत आनंद आया। कैसा लगा छोटू, पहले बताओ तो जोर से। अच्छा लगा, अच्छा लगा। ऐसा सबके घरों में होता होगा शायद, ऐसा हमें लगता है। जब घर में बच्चे होते हैं, आप मिठाई लेके आते हैं, तो बड़ी खुशियाँ आती है मिठाई के साथ साथ, वही खुशियाँ मिल बांट के खाए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। दिन के 1 बज रहे हैं, बाहर में वेट कर रहा हूँ, बच्चे लोग गए हैं अंकित और प्रिंस दोनों पानी लाने के लिए। अब बाहर में बहुत धूप हुआ है, इस साइड से आएंगे तो उन्हीं लोगों का वेट कर रहा हूँ, वो जल्दी आ जाए भाई, बहुत बाहर में बहुत धूप हुआ है। ज्यादा धूप में अभी घूमना ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगा, क्लाइमेट गड़बड़ चल रहा है। ये लोग आ गया, देखिए पानी लेके, क्या लाए हो, प्रसाद, बाबा का गुरुद्वारा से प्रसाद आया है, चलिए खा लेंगे। रख रख, बहुत धूप हुआ है, बाहर जाने लायक नहीं है। जूस क्या, रुआबजा जूस, वाह वाह रे भाई वाह, शरबत है, इसको क्या बोलते हैं, रुआबजा शरबत।
मतलब हर एक दिन बताता है ना आज क्या कोई दिन है, आज कोई फेस्टिवल है हमारे गुरु नानक साहब का, मतलब बाबा लोग का दशमेश गुरु का, तो उसी में आज मिला है प्रसाद और रुआबजा। तो चलिए पीते हैं, आज सारा दिन लगता है मन मिठाई रहेगा। थोड़ा देर पहले हम लोग खाए रसमलाई, अभी आ गया शरबत, तो चलिए प्रसाद खा रहे हैं। ये प्रसाद है गुरुद्वारा का, ये देख लीजिए। और जो हम लोगों का पानी आता है वो गुरुद्वारा से ही आता है, यहाँ का पानी जो है सही नहीं है। पास में ही पानी टंकी है लेकिन आयरन है, तो पीने के लिए पानी जो है गुरुद्वारा से आता है। तो वही लाने गए थे तो प्रसाद मिला है, ये है हलवा घी वाली, बढ़िया लगता है। और ये है चना छोला, पूरा घी में बनाया गया, पूरा घी का टेस्ट है। ये ज्यादा नहीं पीना चाहिए, सक्रीन बोलते हैं इसको, एक गिलास पीते हैं। मजा आ गया, बर्फ वर्फ सब डाला है। हाय फ्रेंड्स, शाम के 7:30 बज गए हैं, हम लोग अब जग चुके हैं, दिन में खाना वाना खा के सो गए थे और आज प्लानिंग हुआ घर में लिट्टी बनाने के लिए, तो चलते हैं। लिट्टी बनाने का सामान थोड़ा बाजार से लाना है, जैसे कि टमाटर बैगन और कुछ थोड़ा बटर वटर लेंगे, बाकी आलू है, ये देख लीजिए चोखा बनाने के लिए आलू लगता है, आटा वाटा तो है। तो चलते हैं बाजार से, जो जो सामान लेके आना है थोड़ा बटर वटर लेंगे और लेकर आते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आज लिट्टी बनेगा हमारा और इंजॉय करेंगे। तो अब चलते हैं बाजार, ये है साइकिल हमारी, अब धीरे धीरे करके साइकिल चला लेते हैं, पहले जैसा थोड़ा घाव अब नॉर्मल है। तो चलिए अब निकलते हैं, अभी मैं सब्जी दुकान पहुंच गया हूं और यहां पे कुछ टमाटर और बैगन ले लूंगा। बैगन दीजिए ना, कैसे पाव है बैगन? बैगन ओ ले लेता हूँ यहाँ से बैगन, और बाकी धनिया लेंगे, नींबू लेंगे। बैगन तो भाई ठीक, देखिए छेदा वाला नहीं चाहिए, चोखा बनाना है। तो सब्जी ले लिया, अब चलते हैं, थोड़ा और भी सामान लेना है, सत्तू लेना है और घी लेना है। ये है साइकिल हमारा। तो फ्रेंड्स, हमारा सामान ले लिए, सत्तू और ये सरसों का तेल महाकोश और अनेक घी, अब लेके चलते हैं इसको बैग में रख के। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा मैं एटीएम आया था कैश लेने के लिए, तो कैश ले लिया हूँ। देखिए कार्ड नहीं निकला, तब तक मशीन टें टें कर रहा, अभी मैं भूल के जाने वाला था, तो यहाँ से अब चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम बाजार से आ गए, अब चलते हैं लिट्टी का व्यवस्था करते हैं। तो पहले अब सत्तू वत्तू बनाना पड़ेगा, आटा तो सन गया है, यहाँ पे सत्तू बना लेते हैं। हमारा लिट्टी बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये है सत्तू। यहाँ पे अब आड़ा बनाएंगे, ये देख लीजिए, ये गोईठा है, गोईठा का आड़ा पकड़ाते हैं। तो चलिए तारा धरावे ना, हटो। आड़ा पकड़ाने में भी एक कलाकारी है, तो आपको बता देते हैं आड़ा कैसे पकड़ाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा लिट्टी पक रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ ये बैगन है, तो एक बैगन तो गैस पे पका लिए हैं और एक यहाँ पका रहे हैं। तो चलिए और थोड़े देर में पक ही जाएगा। तो लिट्टी हमारा पक गया, अब इसको तोपेंगे, एक बार लिट्टी को गाड़ना पड़ता है नीचे आग में, तब लिट्टी फूल के फट जाता है। तो दोस्तों, हमारा लिट्टी पक गया, अब इसको निकाल के झाड़ते हैं। तो ये लिट्टी देख रहे हैं, पूरा पक के फट गया, रुको वहीं रहो, इसको अब निकाल के गमछा में झाड़ देंगे। देख लीजिए कैसा हो गया, लिट्टी पक गया सातु। तो लिट्टी बन गया, अब हो गई, अब इसको चल के इसमें घी लगाते हैं। चोखा बन रहा है बैगन का, टमाटर का, ये है बैगन टमाटर, इसमें दे के चोखा बना रहे हैं हम लोग। लिट्टी में अभी घी लगाया जा रहा है, देख लीजिए वो घी है, और पूरा इसी तरीके से घी मार देने से लिट्टी जो है मुलायम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना लग चुका है लिट्टी, आप लोग देख सकते हैं, और लिट्टी और चोखा बड़ी जबरदस्त हुआ है और घी लगाया गया है। तो चलिए खाते हैं, लिट्टी को टेस्ट करते हैं। हमारे सामने छोटू भी है, देख लीजिए, ये है लिट्टी, तो खा लो आराम से, खाते हैं। लिट्टी एकदम मस्त हुआ है, चर चर हुआ है, ये हुआ असली बिहार का खाना, सुपर भाई, चोखा मस्त हुआ है एकदम।
खाते हैं। खाना पीना हो गया और लिट्टी और चोखा और दूध खाए साथ में, बहुत मजा आया। तो चलिए, बहुत खा लिया, अब यहीं पे आराम करेंगे, छोटू सोने लगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।